Good morning students. Today we will solve the numerical related to the solenoid and the toroid. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इसके आर्टिकल्स में किया हुआ था कि the formula of the solenoid and the toroid will be equal to the d is equal to mu naught times n I. ठीक है, या तो फिर इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं mu naught times capital N upon L I, where n represent the total number of turns. n किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और एल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या बोला गया है न्यूमेरिकल में, हमें बोला गया है ए सोलेनोइड इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ टोटल कितनी है, 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, दैट इज 2 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड, 3 मीटर इन डायमीटर, 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि डायमीटर जो है इसका वो कितना बोला हुआ है, 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इट हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 1000 टर्न, 5 लेयर्स हैं इसकी वाइंडिंग की और हर एक लेयर में कितने टर्न्स हैं, 5000 टर्न्स हैं इच. एंड कैरी द करंट ऑफ द 5 एम्पीयर देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को फाइनल करनी है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम पहले गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं. बता दो गिवन क्वांटिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, गिवन क्वांटिटी के बेस पर ही हमें पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है. ठीक है, तो लेंथ कितनी दी हुई है, 2 मीटर की दी हुई है, डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि एक सिस्टम के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 3 × 10⁻²⁻ मीटर. ठीक है, और आगे हमारे पास लेयर्स, 5 लेयर्स हैं और हर एक लेयर में 1000 टर्न्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए फिर हमारे पास, दैट इज 5 × 1000, दैट विल कम्स आउट टू बी 5000 टर्न्स. ठीक है, कैरी द करंट ऑफ I, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 5 एम्पीयर. ठीक है, 5 एम्पीयर का करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, दिस वन, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, क्योंकि एन भी है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी है, एल लेंथ भी पड़ी है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं. अब देखो यहाँ पे वी म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, दैट इज 10⁻⁷, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी बनी, 10⁻⁷ × 4 पाई. ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं 10⁻⁷ × 4 पाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दैट विल बी इक्वल टू द 5000, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2 मीटर की लेंथ है. ठीक है, 2 × 4, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गेट योर आंसर, दैट विल कम्स आउट टू बी बी इज इक्वल टू, जो आपके पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 1.5 × 10⁻²⁻ टेस्ला. ठीक है, इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू द फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट. ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था कि 2 कंडक्टर जो हैं करंट कैरी कर रहे हैं अगर सेम डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज आई वन एंड आई टू, तो वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, दिस वन इज द फोर्स. ठीक है, सिमिलरली अगर 2 कंडक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं करंट कैरी करेंगे तो वो एक दूसरे को करेंगे रिपेल करेंगे, बाहर के डायरेक्शन में करते हैं रिपेल कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट वाज द फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट. तो फोर्स का अमाउंट कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2, दोनों कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, डिवाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन देम. ठीक है, इसके रिटर्न न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल देखो क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर लूप है मेरे पास, ये ABCD. ठीक है, ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, साइड कितनी है 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 25 एंड 10 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट ऑफ 15 एम्पीयर, टोटल करंट जो पूरा करंट जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर वो कितना कर रहा है, 15 एम्पीयर, इज प्लेस्ड विद ए लॉन्गर साइड पैरेलल टू ए द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर 2 सेंटीमीटर अपार्ट. एक बोलते हैं इस कंडक्टर की साइड जो हमने रखी है लॉन्गर साइड है कंडक्टर में. ठीक है, मतलब एक कंडक्टर जो हमने सेपरेटली 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है जिसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है 25 एम्पीयर है,
तो बोला गया व्हाट इज द नेट फोर्स इन द लूप, तो नेट फोर्स कितनी आएगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि दो स्टेट कंडक्टर जो है तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो वो करेंगे रिपेल करेंगे। अब देखो इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो ऐसे निकाली जाएगी थंब की डायरेक्शन में, थंब जो करंट की डायरेक्शन में रख दिया, और जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना है उसे इस कंडक्टर पर देखना है, तो मैंने वहां पर फिंगर को पॉइंट किया तो फिंगर मेरी अंदर की तरफ जा रही है इनवर्ट्स। ठीक है, इनवर्ट जा रही है तो ऑब्वियसली बात है जब मैं इस लेफ्ट रूट का यूज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड गई, करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है इस डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ये दोनों कंडक्टर क्या कर रहे हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस पहले हम गिवन क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है मेरे पास, रेक्टेंगुलर लूप साइज कितनी है 25 and 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ जो है मेरे पास 25 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, विच इज इक्वल टू 25 into 10 is 2 meter। विड्थ जो है मेरे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 10 into 10 is 2 meter। ठीक है, कैरी करंट एक जो करंट कैरी कर रहा है वो कितना कर रहा है I1 कैरी करंट कर रहा है 15 एम्पियर का, और दूसरा करंट कैरी कर रहा है 25 एम्पियर का। ठीक है, ये लिया हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना है दोनों के बीच की सेपरेशन यानी कि डी की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है द फोर्स बिटवीन दीस नेट फोर्स। ठीक है, क्या निकालना हमें नेट फोर्स इन दोनों की वजह से नेट फोर्स कितनी आएगी ये कैलकुलेट करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वॉइड फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा ए बी कंडक्टर जो है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करके बात लेके जा रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है एक अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी तो फोर्स कितनी होगी F1 मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज F1, तो F1 का अमाउंट कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 अपॉन I2 अपॉन d। तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे कितनी बनती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 is power -7, 2 I1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 15 तो दूसरे की वैल्यू है 25 एम्पियर डिवाइड बाय सेपरेशन। इन दोनों कंडक्टर के बीच की सेपरेशन देखो कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिखूंगा 2 into 10 raised to power -2। ठीक है, ऑन कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यू वी विल गेट ए रिजल्ट, हमारे पास इन दोनों का एक रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 9.3 into 10 raised to power -4 newton। ठीक है, ए बी तो यहां पे मैं ए बी लिखता हूं ऑफ लेंथ ए बी यानी कि इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है इन दोनों के बीच में। ठीक है, वो क्या हो रही है इतनी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है इन द सिमिलर मैनर हमारे पास दूसरी फोर्स। अब देखो यहाँ पे जो कंडक्टर है करंट कैरी करके ले जा रहा है बी से लेके सी तक, देखो बी से लेके सी तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही जा रही है, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो मैं स्लट एंड रूट का यूज करता हूँ करंट की डायरेक्शन, ये कर दी मैंने करंट की डायरेक्शन तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगी अपर डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर मैं डी से लेकर ए तक की वैल्यू देखता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ ही जाएगी लेकिन करंट इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो यानी कि इस केस के ऊपर फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रही है और इस केस में फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, बोथ आर इन द सेम डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों की वजह से जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा सेम होगा, बट इन की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे, तो इसकी वजह से कोई फोर्स कैलकुलेट नहीं होगी ना तो इसकी वजह से कैलकुलेट होगी बिकॉज ऑफ दिस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज विल बी अकाउंट दिस, बट इस कंडक्टर की वजह से और इस कंडक्टर की वजह से दैट विल नॉट द सेम। क्यों नहीं सेम होगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है बट यहां से लेके इस कंडक्टर की सेपरेशन जो होगी 10 + 2 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे इसकी वजह से इतनी फोर्स लग रही है और इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको मान लेते हैं F2। ठीक है, तो इसके बीच की सेपरेशन जो वो अलग है इसलिए मुझे यहाँ पे F2 कैलकुलेट करूंगा। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 10 raised to power -7
आई वन की वैल्यू 15, आई टू की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय, अब देखो सेपरेशन कितनी आ रही है, पहले थी 2 अब कितनी बन जाएगी 12, ठीक है। तो 12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट ए रिजल्ट, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 न्यूटन का, ठीक है। अब देखो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इनके एरो जो मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ आर्टिकल में, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये कंडक्टर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। तो हमें निकालना है नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स इन द लूप, टोटल फोर्स कितनी होगी। तो ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव, बट ये होगी रिपल्सिव, ठीक है, ये अट्रैक्टिव और ये रिपल्सिव। तो अब हम इसके नेट अमाउंट निकालना है कि नेट अमाउंट कितना बचेगा इसमें, ठीक है। तो नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो तरह की फोर्सेस आ गई, ये F1 एंड F2, बोथ वन इज अट्रैक्टिव एंड वन इज रिपल्सिव, ऑब्वियस बात है। अब नेट कैसे निकाला जाएगा, F नेट, नेट फोर्स निकालते हैं तो नेट देखो कैसे निकाली जाएगी, ऑब्वियस बात है। मेरे को बताओ इन दोनों कंडक्टर में किस फोर्स का अमाउंट ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स का अमाउंट क्यों होगा, ज्यादा होगा क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर बड़ा ज्यादा नजदीक पड़ा है जबकि ये वाला कंडक्टर क्या है, बहुत ज्यादा दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है और ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इस अट्रैक्टिव फोर्स का अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो F1 माइनस ऑफ F2, लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस कर दिया मैंने, तो लार्जर फोर्स का अमाउंट कितना है 9.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, और स्मॉलर अमाउंट का अमाउंट कितना है दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 न्यूटन, ठीक है, माइनस ऑफ 4 न्यूटन। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 9.3 और दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 10 रेज टू पावर माइनस 4, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल दिया तो देखो यहाँ पे कितना बचाएगा हमारे पास वैल्यू जो आएगी इसकी, दैट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 7.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 न्यूटन, दैट इज द नेट फोर्स, ठीक है। तो इस डायग्राम, इस तरह की डायग्राम आपको टास्क की आएंगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, आपको भी इसी तरह से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेनली जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए आप लोगों को, और ये पता होना चाहिए कौन सी अमाउंट वैल्यू जो लार्जर बन रही है कैसे बन रही है, ठीक है। हर एक रूल अगर आप याद रखोगे तो आप इस तरह के टास्क को इजिली ट्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों का अमाउंट जो हो फोर्सेज का अमाउंट सेम होगा क्योंकि वो था रहता सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंसिस पर है, तो उनकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्ट हो रही है, तो उनकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर लूप पूरी है तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही थी और ये रिपेल कर रही थी, तो इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जो बनेगी वो कितनी बनेगी, दैट इज दिस वन। क्लियर होगी बात ये सभी को।